हे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है वेडनेसडे, तो मैं बताना चाहती थी कि मैं सोच रही थी बहुत दिन से वीडियो बनाऊं, पर टाइम नहीं हो रहा था। सो आज भी टाइम नहीं है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूं। सो आज है मेरे बेटे का 18 मंथ्स कंप्लीट हो गया और उसका आज है मुंडन का दिन। तो हम लोग देख रहे हैं कि मुंडन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत लाइक मूव करते रहता है, तो हम लोग रिक्स नहीं उठाना चाहते। तो देखते हैं, अभी ठाकुर जी आने वाला है, तो 9 बजे शायद आएगा मुंडन के लिए। तो मुंडन के बाद देखते क्या किया जाता है, मुंडन होता है कि नहीं वो भी नहीं पता। और हम लोग लाइक जल्दी बेंगलोर जाने वाले हैं, लाइक पैकिंग भी स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा एकदम कपड़ा 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 हो रहा है। पापा ने कल पैकिंग कंप्लीट किया, मेरा पैकिंग चल ही रहा है, लाइक पता नहीं क्या क्या कपड़ा लूँ क्या नहीं लूँ। तो 15 kg के ऊपर तो नहीं ले सकते पर पर्सन, तो हम लोग दोनों का मिला के 30 kg, और बेबी का भी बहुत सारा कपड़ा है, लाइक एक बड़ा ट्रॉली तो उसका ही है। मेरा भी कुछ कुछ सामान है, लाइक मेरा अभी बड़ा ट्रॉली है, दो दो बड़ा ट्रॉली, बापन का तो एक छोटा बैग में ही आ गया। तो देखिए मेरे बेटे का सुंदर काले घने बाल, काले नहीं है उसका बाल, ब्राउन है, और सामने से स्ट्रेट है, पीछे से कर्ली है, जो आज काटने वाला है, लाइक कट ही चुका है। तो देखिए, और देखिए इतना सुंदर कर्ली, पीछे कर्ल्स देखिए इसका, इतना मतलब प्यार आता है, काटने का मन ही नहीं कर रहा था हम लोगों को। देखिए देखिए देखा आप लोगों ने, इतना सुंदर कर्ली था, मतलब एकदम पहले सामने से स्ट्रेट, देखिए एकदम स्ट्रेट पीछे कर्ली। और ये रहा पूजा का थाली, जिससे लाइक थाली नहीं हम लोग डाला बोलते हैं, जिससे ठाकुर जी मेरे बेबी को आशीर्वाद देगा, उसके बाद बाल काटेगा उसका, तो इसलिए। और ये रहा हमारा भगवान का घर, मंदिर जहाँ पूजा करते हैं हम लोग, मम्मी जी पूजा करती है वो। ये रहा हम लोग का ठाकुर का घर। सबको इसको बुला बुला कर माइंड डाइवर्ट कर रहा है, जिससे वो मतलब आराम से काटने दे ठाकुर को, लाइक वो छोटा है हम लोगों से, लाइक हम लोग के घर के सामने ही रहते हैं वो लोग, तो उसे बुलाए थे काटने के लिए, तो वो काटने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। और हम लोग सबको ये मतलब उसे पूरा खेलने के चीज़ें दे के माइंड डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहे, पर पता नहीं वो कर सकेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए उसका बहुत गुस्सा है। পোজ দেখো না হয়েছে কারে হয়েছে মাই গুডনেস এটা দেখে ভয় লাগে দাদা দাদা আর বাজাল জল 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 জল
आस्ते माँ এরকম জলদক সাইজ এটা দিয়ে উঠাই দিলাম কিন্তু পটক তুলে ফট করে কেন এই পিছন দিকে জায়গা গরম জল কেটে দেব এই বা আবার আবার ও বেল তো প্রয়োগি হ্যাঁ দিয়া দে সামনে এই বা বহুত জল আছে ল তাকলা বড় কথা তো তুল মোটাইবো হ্যাঁ और उसने काटा थोड़ा सा पर पूरा नहीं काट पाया क्योंकि वो बहुत चंचल है। वो देखिए पानी से क्या खेल रहा है, मतलब उसे सर में हाथ लगाने नहीं देता है। तो बीच का जगह काट दिया था, नहीं तो हम लोग उसका बाल नहीं काटते, नियम के लिए थोड़ा टच करा के रखते। पर अगर उसने बीच वाला जगह ही मतलब साफ कर दिया तो वो और उसके बाद वो नहीं करने दिया बेबी ने। तो बापन ने, हम लोग टमटम बोलते हैं, उसमें बैठ के उसको वो ट्रिमर से उसको टकला किया। वो वाला वीडियो मेरे पास नहीं है, मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि उसको लेके बिजी थी। थोड़ा सा उसको पकड़ना पड़ता है, माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है, तो वो वाला जगह नहीं। वो देखिए उसका टकला उतना सा निकल गया है, वो देखिए, नहीं तो हम लोग टकला नहीं करते। वो देखा आप लोगों ने, तो पीछे वाला जगह थोड़ा सा वो टकला हो गया था, तो इसलिए हमें उसका बाल काटना पड़ा। देखिए कैसा कर रहा है, हाथ ही नहीं लगाने देता है। तो हम लोग नहीं सके, उसके बाद ट्रिमर से पापा ने खुद काट के दिया उसका बाल। अभी तो उग भी गए थोड़ा बहुत, लाइक छोटा हो रहा है पर उग गया थोड़ा सा बाल, यही है। उसके बाद सब कोई आए, हम लोगों ने खाना वाना खाया फैमिली मिलके सब कोई, वो भी वीडियो है, उसका टकला करने का वीडियो नहीं है। बापन जब कर रहा था क्योंकि हम लोग नहीं सक रहे थे। सो यहाँ पे हो रहा है सब कटिंग करना, ये सलाद के लिए काट रहा है आंटी, और वहाँ साग है, यहाँ मछली फ्राई हो रहा है। हम लोग जो भी शुभ काम करते हैं उससे पहले हम लोगों को मच्छी, मतलब हम लोग मच्छी खाते हैं, चिकन मटन ये सब यूज़ नहीं होता है, मतलब मांस जो बोलते हैं हम लोग, मतलब मीट नहीं होता है, ओनली फिश होता है, लाइक वो भी आश वाला हम लोग बोलते हैं। तो बना रहा है खाना और यहाँ पे सब कोई बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, क्या क्या डिस्कशन पता नहीं, सब कोई बैठे हुए हैं। बहन अभी भी स्कूल में है, मम्मी है, पापा है। और देखिए बरसात भी कैसे आ रहा है, काला हो के एकदम बरसात, हवा दे रहा था उस दिन बहुत ज़ोर से आया बरसात एकदम। देखिए पहाड़ साइड से एकदम काला दिख रहा है, और क्या बोलो, यही है बरसात का सीन। थोड़ा सा मैंने वो भी क्लिक मतलब वीडियो बना लिया क्योंकि तब टाइम था। तो माँ डाके तुम्हारे तो देख सकते हैं मेरा बेटा टकला हो गया, बोल रहा है चूल को था तुम्हारे चूल हेयर्स को था बोलो नहीं हेयर्स को था बबू हेयर्स को था बोलो नहीं हां मामा आशी है हाथ कैसा हां ठीक है बेटा आसे तुमने खाए हां ठीक तुमने टाइम डाकी ने केन वो रात में ले पे ठीक है सब।